रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करेंगे, यानी 100 10s और 1 3 डिजिट नंबर्स बनाते हैं। तो 100 से जो नंबर शुरू होता है, जैसे हम इसमें 245 और 254 को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर में जो लेफ्ट साइड पर डिजिट होता है बड़ा, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 और 2 इक्वल है। उसके बाद हम 10s को कंपेयर करेंगे। अब इसमें 4 इज लेसर देन 5, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 245 इज लेसर देन 254, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो मुआजना करने का मतलब होता है कंपेयर और मुआजना करना, और उसके लिए हम सिंबल जो लिखते हैं वो बराबर है, ग्रेटर है, लेसर है, छोटा, बड़ा और बराबर का। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत यूनिक बनाया है। हमें अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कौन किसी को अल्लाह ने कोई खूबी ज़्यादा दी है कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरा कद छोटा है, ये सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह ने हर एक को बहुत सी खूबियों से नवाजा है, और आपको अपने ऊपर अगर नेमतों को गिनना शुरू करो तो अफसोस का वक्त ही नहीं बचेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल हैव लिटल टाइम टू काउंट एनीथिंग एल्स। यानी अपनी नेमतों को गिनना शुरू करो तो और किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब एक और मकूला है कि अगर अपने आप को अमीर महसूस करना चाहते हो तो उन नेमतों का सोचो जो पैसा नहीं खरीद सकता। इफ़ यू वॉन्ट टू फील रिच, जस्ट काउंट ऑल द ब्लेसिंग्स दैट मनी कांट बाय। उन सारी नेमतों के बारे में सोचो जो पैसा होते हुए भी लोग खरीद नहीं सकते। अब हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन सी नेमतें हैं। जैसे सेहत है, अगर सेहत चली जाए तो अस्पताल भरे ना होते, और अस्पतालों में लोग इतना पैसा लगा के भी सेहत वापस नहीं ले सकते। फिर अक्ल, अगर अल्लाह ने अक्ल नहीं दी तो हम अक्ल को बाजार से नहीं खरीद सकते। फिर अच्छे अखलाक हमें खुद अपने अंदर पैदा करने होते हैं, किसी से हम उधार नहीं मांग सकते। इसी तरह अच्छा किरदार भी, और अजीज़ो कारब जिसमें माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्तेदार आ जाते हैं। अगर अल्लाह उनको ले ले या वो ना हो तो हम उनको खुद से नहीं बना सकते। तो प्यारे बच्चों, ये भी तो पता हो कि किस हस्ती का शुक्र अदा करना है, उसे कौन सी चीज़ें पसंद हैं। वो तो वापस तौबा करने पे भी राज़ी हो जाती है। तो उसके लिए अल्लाह ने जो अपनी किताब भेजी है वो तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। कुरान अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह से जुड़ जाएँ और उर्दू ज़बान में तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं, प्रैक्टिस मैथ। अब हम कुछ मिसालें हैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे आप 328 और 160 को कंपेयर करें, ये दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, 328 और 168। इसमें 100 भी हैं, 10s भी हैं और 1s भी हैं। तो हमने अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। पहले अभी जो हमने असूल सीखा था उसके मुताबिक खुद से इसको सीखें। जैसे पहले हमने 100 कंपेयर किए तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम इसके अंदर ग्रेटर देन का साइन डालेंगे कि 328 इज़ ग्रेटर देन 160। अब हम इसको 3 और 1 को अगर नंबर लाइन पे लिखें तो 1 इज़ 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो 3 इज़ ग्रेटर। अब आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें 229 और 222 को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे आप उसी असूल को अप्लाई करेंगे। वीडियो यहाँ पर स्टॉप करें। तो सबसे पहले हम 100s को कंपेयर करते हैं, तो इसमें दोनों 100s इक्वल हैं। उसके बाद हम 10s की तरफ आते हैं, तो इसमें 10s भी इक्वल हैं, दोनों 2 और 2 हैं 10s। उसके बाद हम अब थर्ड स्टेप पे हम 1s को कंपेयर करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 222 में 2 1s हैं और इधर 9 1s हैं, तो 222 इज़ लेसर देन 229। इसको हम नंबर लाइन पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखें कि लेफ्ट साइड पे 2 है और 9 साइड पे राइट साइड पे 9 है। अब ये एक और एग्जांपल है, इसमें आपने 250 को 250 से कंपेयर करना है। हम उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, यानी सबसे पहले हम 100s को कंपेयर करेंगे, तो इसमें दोनों तरफ 200s हैं, तो 100s आर इक्वल। उसके बाद हम 10s को कंपेयर करेंगे, तो इसमें 10s जो हैं वो भी इक्वल हैं, 5 और 5 हैं, और उसके बाद 1 0 है, दोनों तरफ कोई 1 नहीं है, तो इसके लिए 250 इज़ इक्वल टू 250, यानी दोनों नंबर्स जो हैं वो बराबर हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।